राम राम जी सभी को। मैं संदीप रोहल VLDA पशुपालन विभाग हरियाणा स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने इस YouTube चैनल लाइव स्टॉक एडवाइजर में। तो दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने बात करी थी मुद्रा योजना के तहत डेयरी लोन कैसे ले सकते हैं, और उसमें दोस्तों मैंने बताया था कि डॉक्यूमेंट्स के साथ आपने डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट एक बना के वो आपने अपने बैंक को सबमिट करानी होती है। तो उस पर दोस्तों कुछ साथियों के कमेंट्स आए हैं कि डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में भी बताइए, कैसे वो रिपोर्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों आज आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे बना सकते हैं, और बिल्कुल कोशिश करूंगा साधारण से बिल्कुल सिंपल भाषा में आपको समझाने की, ताकि आपको बाहर से कहीं ये वीडियो देखने के बाद आपको ना तो किसी से पूछने की जरूरत पड़ेगी कैसे बनाते हैं, ना आपको किसी और की इसमें हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। हाँ, थोड़ी बहुत हेल्प आपको बैंक से लेनी पड़ेगी, वो जरूरी है, क्योंकि उसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो सिर्फ बैंक वाले ही आपको बता सकते हैं। क्योंकि अगर ये रिपोर्ट दोस्तों आपने बनाना सीख लिया तो ये मान के चलिए कि आपके CA या फिर कंसल्टेंट को जो आपने प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाने के लिए 8-10 हज़ार रुपये पे करने पड़ते हैं, तो अगर ये वीडियो दोस्तों आपने पूरा देख लिया, इसको अच्छे से समझ लिया, तो ये मान के चलिए कि आपकी आज 8-10 हज़ार रुपये की बचत हो सकती है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो को एंड तक देखिएगा और अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करिएगा। तो चलिए दोस्तों आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलते हैं सीधा मेरे मोबाइल की स्क्रीन पर और समझते हैं डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बारे में डिटेल से। तो दोस्तों ये हम आ गए हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, और ये आप देख सकते हैं डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट हमने खोल ली है। और ये दोस्तों जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये फॉर्मेट तैयार किया गया है नाबार्ड के द्वारा। नाबार्ड की ऑफिशियल वेबसाइट से ही हमने इस फॉर्मेट को डाउनलोड किया है। तो इसमें दोस्तों मैं आपको आइए समझा देता हूँ डिटेल से कहाँ पे क्या क्या चीजें इसमें आपको मिलेंगी और कौन से फील्ड में कौन कौन सी चीजें आपने कैसे भरनी है। तो दोस्तों सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि इसमें जो आपने बैंक को बताना है कि आपने कितने पशुओं का डेयरी फार्म करना है, गाय का करना है या भैंस का करना है, वो चीज आपने इसमें बतानी है यहाँ पे। और इसमें आप देख सकते हैं ये लिखा है 10 भैंसों का, जो ये जो डेयरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट नाबार्ड के द्वारा बनाई गई है ये 10 भैंसों के लिए बनाई गई है। बाकी इसमें आप अपने हिसाब से बाद में चेंजेस कर सकते हैं, आपको ये 20 भैंसों के लिए बनानी है, 50 भैंस के लिए बनानी है, गाय के लिए बनानी है, जितने भी पशु के लिए आपको ये प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनानी है, आप इसमें अपने हिसाब से बाद में चेंजेस कर सकते हैं। इसके बाद आप ये देख सकते हैं कैपिटल कॉस्ट की यहाँ पे समरी बनाई हुई है दोस्तों। इसमें जैसे कि कॉस्ट ऑफ एनिमल्स यानी कि जो पशु आपने खरीदने हैं, ये भैंसों की यहाँ पे 80 हज़ार रुपये प्रति भैंस के हिसाब से, 10 भैंसों की कॉस्ट यहाँ पे 8 लाख रुपये दिखाई गई है। उसके बाद भैंसों को लाने ले जाने का यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का जो कॉस्ट है वो 10 हज़ार रुपये के हिसाब से यहाँ पे एस्टिमेट लिया गया है। उसके बाद पशुओं के लिए जो शेड बनाया है, शेड इन्होंने अलग अलग दिखाया है यहाँ पे, बड़े पशुओं के लिए अलग से शेड बनाया है। उसके बाद दोस्तों इक्विपमेंट्स और चाफ कटर यानी के जो चारा काटने की मशीन होती है, और इक्विपमेंट्स में जैसे आपका कोई दूध निकालने की मशीन है या फिर कोई दूध रखने के लिए जो ड्रम्स वगैरह होते हैं, ये इस टाइप की चीज़ें जो बर्तन वगैरह होते हैं, वो सारी चीज़ें आपकी इक्विपमेंट्स में इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये सारी कॉस्ट दोस्तों मिला करके आपका जो है डेयरी फार्म इस्टाब्लिश करने का टोटल इन्होंने एस्टिमेट लिया है 9,54,000 रुपये। उसके बाद दोस्तों सेकंड कॉलम आपको इसमें मिलेगा टेक्नो इकोनॉमिक पैरामीटर्स का, इसमें आपको डिटेल में सारी चीज़ें बतानी हैं बैंक को, वो सारी चीज़ें दोस्तों मैं आपको एक बार बता देता हूँ डिटेल में, ध्यान से सारी डिटेल समझ लीजिएगा ताकि जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट भरते टाइम आपको परेशानी बाद में ना आए। तो इसमें दोस्तों सबसे पहले आपने टाइप ऑफ एनिमल यानी कि जिन पशुओं की आप डेयरी करना चाहते हैं, इसमें इन्होंने जैसे दिखाया है ग्रेडेड मुर्रा बफेलो, यहाँ पे अगर आप गायों की डेयरी करना चाहते हैं, मान लीजिए आप साहिवाल गाय की डेयरी करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप दिखा दीजिए साहिवाल काऊ। उसके बाद नंबर ऑफ एनिमल्स, इसमें दोस्तों आपने जितने भी पशुओं की डेयरी करनी है 10, 20, 50, वो आप यहाँ पे दिखा दीजिए। उसके बाद दोस्तों नंबर ऑफ एनिमल्स इन फर्स्ट बैच, क्योंकि ये मैंने आपको पहले भी जो डेयरी लोन की मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि डेयरी लोन जो है वो आपको बैंक 2 किस्तों में देता है, 2 बैच में देता है। पहला बैच जो है 50% आपकी जो पशुओं की जो संख्या होती है उसके लिए आपको मिलेगा, उसके बाद 6 महीने के बाद आपको दूसरे बैच के लिए लोन का पैसा मिलेगा। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कल्ड एनिमल यानी कि जो भैंसों के साथ जो बछड़े होंगे कल्ड एनिमल उनको बोला जाता है, उनका यहाँ पे कॉस्ट दिखाना होता है। उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट यहाँ पे, ये दोस्तों सारा इस टेबल में जो भी आप हिसाब दिखाएंगे वो अब आप प्रति पशु के हिसाब से दिखाएंगे। समरी में जो हमने दिखाया था वो हमने टोटल कॉस्ट दिखाया था, तो यहाँ पे इसलिए आप देख सकते हैं ऊपर जो कैपिटल
कैपिटल कॉस्ट में जो हमने समरी में जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट दिखाया था वो टोटल हमने 10,000 दिखाया था, लेकिन यहाँ पर हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट 1,000 रुपए दिखाया है। उसके बाद दोस्तों एवरेज मिल्क यील्ड यानी कि जो प्रतिदिन पशु की जो दूध उत्पादन क्षमता है वो यहाँ पर आपने दिखानी है। उसके बाद फ्लोर स्पेस पर अडल्ट एनिमल यानी कि जितनी एक भैंस को रहने के लिए जगह चाहिए। दोस्तों कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन पर स्क्वायर फीट इन्होंने यहाँ पर दिखाई है, ये आप अपने हिसाब से दिखा सकते हैं जितना भी कॉस्ट आपका पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आता है। उसके बाद कॉस्ट ऑफ चाफ कटर यानी कि चारा काटने की मशीन की जो है कॉस्ट यहाँ पर दिखानी है। उसके बाद इक्विपमेंट जैसा मैंने आपको बताया था। उसके बाद दोस्तों इंश्योरेंस प्रीमियम यहाँ पर आपने दिखाना है। इंश्योरेंस प्रीमियम आपका ये मैंने इंश्योरेंस की जो वीडियो बना रखी है पशु बीमा योजना की जो मैंने वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था अगर आप प्राइवेट कंपनी से अगर आप इंश्योरेंस करवाते हैं तो आपका लगभग 1.5% से 5% तक आपका प्रीमियम रहता है, वो पशु की कीमत के हिसाब से लगेगा। और दोस्तों अगर आप सरकार की तरफ से अगर आपको सब्सिडी वाली योजना मिल रही है तो उसमें आपका लगभग 100, 200 या 300 रुपए तक आपका प्रति पशु के हिसाब से बीमा हो जाएगा। उसके बाद वेटरनरी एड यानी कि दोस्तों पशु जो आप लेकर के आएंगे डेयरी में उनके इलाज वगैरह के खर्चे का आपने एक एस्टिमेट रखना है। इसके बाद दोस्तों क्वांटिटी ऑफ कंसंट्रेट फीड इन वन बैग यानी के संतुलित आहार जो आप लेकर के आते हैं लगभग 50 किलो का एक गट्टा या बोरी ये आप लेकर के आते हैं। ड्राई फोडर यानी के जो सूखा चारा है, ग्रीन फोडर यानी के जो हरा चारा है उनकी आपने यहाँ पर कॉस्ट दिखानी है, ये आपने प्रति किलो के हिसाब से इसमें कॉस्ट दिखानी है दोस्तों। उसके बाद नंबर ऑफ लेबर्स यानी के जो आप अगर डेयरी में अपना कोई मजदूर रखना चाहते हैं वो आप यहाँ पर दिखा दे इस कॉलम में, उसके हिसाब से आप यहाँ पर सैलरी उसकी खा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बिजली पानी का जो भी खर्चा आपकी डेयरी में होगा कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर इस कॉलम में आप दिखा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आता है मार्जिन परसेंटेज, ये मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। ये जो मार्जिन जो परसेंटेज रहता है दोस्तों ये लगभग 10 से 25% तक रहता है, तो इसमें जो है प्रोजेक्ट रिपोर्ट में इन्होंने मैक्सिमम 25% लिया है। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट के हिसाब से जो हमारा टोटल लोन अमाउंट रिक्वायरमेंट थी वो 9,54,000 की थी और उसका 25% दोस्तों मार्जिन अमाउंट हमने खुद से ऐड करना पड़ेगा यानी कि 2,38,500 रुपए हमने मार्जिन मनी के तौर पर खुद से ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद रेट ऑफ इंटरेस्ट ये भी आप अपने बैंक से पूछ करके डालेंगे, ये भी इन्होंने यहाँ मैक्सिमम लिया है 12%, ये लगभग 10 से 12% के बीच में ही रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है, हर एक बैंक का अलग अलग रहता है तो वो भी आप अपने बैंक से पूछ करके उसी हिसाब से डालेंगे। रीपेमेंट पीरियड यानी के कितने टाइम में आप लोन चुकाएंगे। तो इसके बाद दोस्तों सेलिंग प्राइस ऑफ मिल्क यानी कि जिस रेट पर आपका जो है दूध सेल होगा। इसके बाद दोस्तों ये जैसा आप देख पा रहे होंगे सेल प्राइस ऑफ गनी बैग्स, मैं आपको बता देता हूँ कि गनी बैग असल में बोरी को बोलते हैं, तो ये मैं आपको आगे बताऊंगा कि बोरी का इन्होंने यहाँ पे सेल प्राइस कैसे लिया है। तो उसके बाद इन्होंने यहाँ पे लैक्टेशन डेज और ड्राई डेज यहाँ पे दिखाए हुए हैं। लैक्टेशन डेज यानी के जितने दिनों तक जो है गाय भैंस दूध देती है उसको बोलते हैं लैक्टेशन डेज, और जितने दिनों तक गाय भैंस दूध नहीं देती है उसको बोलते हैं ड्राई डेज, ये मेरे ख्याल से आप सभी को पता होगा। तो इसके बाद दोस्तों अगले पेज पर आ जाते हैं, पर मिलेगा टेबल फीडिंग शेड्यूल का, कितना आप उसको जो है संतुलित आहार यानी के दाना मिश्रण उसको देंगे, कितना आप उसको हरा चारा देंगे, कितना आप उसको सूखा चारा देंगे। इस पर भी दोस्तों मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, संतुलित आहार आपको इस पशु को कैसे खिलाना होता है, दुधारू पशु को कितना देना होता है और ड्राई पशु को आपने कितना देना होता है वो आप उस वीडियो में देख सकते हैं। इसके बाद दोस्तों टोटल कंसंट्रेटेड फीड कंज्यूम्ड यानी कि हमने संतुलित आहार जो दाना मिश्रण हमने पशु को खिलाया है वो हमने इसमें दिखा दिया कि पहले साल में हमारा जो है इतना दाना मिश्रण कंजम्पशन हुआ, दूसरे साल में इतना हुआ, तीसरे साल में इतना हुआ। अब ये लास्ट में आप जो देख रहे हैं नंबर ऑफ गनी बैग्स यानी कि पहले साल में हमने लगभग 8,550 किलो दाना मिश्रण पशु को खिलाया और 50 किलो का हमारा एक बैग होता है यानी कि 50 किलो की हमारी एक बोरी होती है दाना मिश्रण की, तो उस हिसाब से हमने पूरे एक साल में टोटल हमारे पास 171 खाली बोरियां इकट्ठा हो गई दोस्तों। तो अब यहां पे जो इन्होंने ये दिखाया था सेल प्राइस ऑफ गनी बैग्स यानी कि एक खाली बोरी का जो है वो लगभग अगर आप मार्केट में बेचने जाओगे तो 10-12 रुपए की वो लगभग आसानी से बिक जाती है, तो इसलिए यहाँ पे ये इन्होंने दिखाया था। उसके बाद दोस्तों लैक्टेशन चार्ट इसमें दिखाया गया है। अब इसमें दोस्तों आखिरी कॉलम आता है इकोनॉमिक्स का। शुरुआत में हमने जो कैलकुलेशन लिया है वो प्रति पशु के हिसाब से लिया है, यहाँ पर इस टेबल में हमने दिखाना है टोटल हमारा पूरे साल का कितना हमारा कॉस्ट लगेगा, कितना हमारा इनकम होगा और कितना हमारे को जो है बचत होगी, ये सारा हमने इस टेबल
टेबल में दोस्तों दिखाना होता है। और ये पूरी रिपोर्ट दोस्तों 5 साल तक की बनेगी। अब ये जैसे इसने सेल ऑफ मिल्क दिखाया है, ये लैक्टेशन डेज इसने दिखाए हैं 240 प्लस 90 डेज यानी कि 330 दिन का इन्होंने दिखाया है। 5 पशु के हिसाब से ये जो स्टार्टिंग में इन्होंने दिखाया था 26 रुपए प्रति किलो के हिसाब से इन्होंने दूध का रेट लिया था, तो उस हिसाब से दोस्तों हमारा जो टोटल दूध की बिक्री हुई वो 4,29,000 की हुई। और 171 हमने बोरियां जो है रखी थी वो 10 रुपए प्रति बोरी के हिसाब से हमारी 1710 रुपए की टोटल हमारी बोरियां बिकी, तो टोटल हमारी पहले साल की इनकम हुई 4,30,710 रुपए। उसके बाद दोस्तों कॉस्ट ऑफ फीडिंग ड्यूरिंग लैक्टेशन यानी के दूध के दिनों में जो हमने चारा दाना पशु को खिलाया उसकी टोटल कॉस्ट हमारी 1,53,450 रुपए आई। ये कहाँ से आई ये भी मैं आपको बता देता हूँ। लैक्टेशन डेज हमारे पहले साल के हुए 240 प्लस 90 टोटल 330 दिन, और प्रति पशु की हमने कॉस्ट निकाली थी 93 रुपए दोस्तों प्रतिदिन की, तो इसको हमने गुणा कर लिया लैक्टेशन के यानी कि दूध के दिनों से 330 दिन से हमने गुणा किया और ये एक पशु की कॉस्ट है। टोटल हमारे पास 5 पशु थे फर्स्ट बैच में, तो उस 330 दिन का हमारा जो खर्चा आया उसको 5 से गुणा करके टोटल हमारा बन जाएगा 1,53,450। इसी हिसाब से दोस्तों ड्राई डेज का हमारा फीडिंग का कॉस्ट हम निकाल लेंगे जो हमने पिछली टेबल में प्रतिदिन का दिखाया था, उसी हिसाब से हम कैलकुलेट करके और ये 8100 रुपए हमारा ड्राई डेज का फीडिंग कॉस्ट आ गया। उसके बाद पशु के इलाज वगैरह का जो पशु चिकित्सा का जो हमारा खर्चा है, उसके बाद लेबर चार्ज, उसके बाद जो है बिजली पानी का खर्चा दिखा दिया, और जो है पशु का जो इंश्योरेंस का हमने कॉस्ट निकाला है वो यहाँ पे हमने दिखा दिया। उसके बाद दोस्तों टोटल कॉस्ट इन्होंने यहाँ पे निकाल दी, जो खर्चा टोटल हमारा हुआ है पूरे साल का लगभग 2,52,050 रुपए। अब टोटल हमारी इनकम हुई थी 4,30,710 रुपए, उसमें से खर्चा निकाल देंगे तो ये हमारी बचत निकलेगी 1,78,660 रुपए। उसके बाद दूसरे साल का, तीसरे साल का, चौथे और पांचवें साल का, इसी हिसाब से हम कैलकुलेशन करके। अब यहाँ पर आप दोस्तों देखेंगे कि दूसरे तीसरे और चौथे पांचवें साल में जो है आपको कुछ बढ़ोतरी दिखाई देगी, तो ये दोस्तों कैलकुलेशन होती है कि डेयरी फार्म जब भी आप एस्टैब्लिश करते हैं तो उसमें ऐसा मान के चला जाता है कि हर साल आपकी जो है कम से कम 5-6% की आपकी बढ़ोतरी होनी चाहिए। उसके बाद दोस्तों आप ये लास्ट में देखेंगे BCR एंड IRR। BCR यानी के बेनिफिट कॉस्ट रेशो, IRR यानी के इंटरनल रिटर्न ऑफ रेट, ये सारा दोस्तों आपने जो है बैंक से फिलअप करवाना है। तो अब बात आती है दोस्तों इसका फॉर्मेट आपको कहां से मिलेगा, तो उसके लिए दोस्तों आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सारी मेहनत मैंने आप लोगों के लिए कर दी है ऑलरेडी। फॉर्मेट मैंने ये सारा जो है कॉपी करके और इसकी एक एम्प्टी फाइल मैंने बनाई है, ये लेफ्ट साइड का पार्ट आपको लिखा हुआ मिलेगा, राइट साइड का जो है कितनी उसमें कीमत डालनी है, कितना खर्चा वगैरह डालना है, ये सारी चीजें आपको उसमें एम्प्टी मिलेंगी और उसका लिंक दोस्तों नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। उसके लिए आपने करना क्या है, आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, अगर ऑलरेडी सब्सक्राइब आपने कर रखा है तो आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और कमेंट बॉक्स में दोस्तों आपने कमेंट करना है। उसके बाद जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो वहां पर आप दोस्तों ये फॉर्मेट जो है डाउनलोड कर पाएंगे। लिंक पर दोस्तों जब आप क्लिक करेंगे तो वहां पर आपको 4 फॉर्मेट दिखाई देंगे, एक जो ओरिजिनल फॉर्मेट जो हमने डाउनलोड किया था नाबार्ड की वेबसाइट से, उसके बाद 2 फॉर्मेट आपको मिलेंगे एम्प्टी, एक आपको मिलेगा वर्ड फॉर्मेट में और एक आपको मिलेगा PDF फॉर्मेट।